अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश इडियम नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रिक्वेस्ट यू कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो इडियम नंबर 13 है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो उर्दू में इसका मीनिंग होगा कि ये सब मेरे लिए नाकाबिले फहम है, यानी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये मेरी समझ से बाहर है। तो इंग्लिश में हम इसका मीनिंग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट्स समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द सेयर। ये कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी समझ से बाहर होती है, आप उसको समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप जानते ही नहीं हैं। ठीक है, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, किसी की समझ से बाहर होती है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा रूल, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो या वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे तो यू कैन से इट्स ऑल ग्रीक टू मी। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट्स ऑल ग्रीक टू मी, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है, ये मेरे लिए नाकाबिले समझ है। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि द टीचर ट्राई टू एक्सप्लेन द फार्मूला, टीचर ने जो रूल था या फार्मूला था उसको समझाने की बहुत कोशिश की, बट आई डिडंट गेट, लेकिन मैं उसको समझ नहीं सकी। इट वॉज़ ऑल ग्रीक टू मी, ये सब मेरे लिए यूनानी ज़ुबान की तरह था, ग्रीक की तरह था, मैं इसको समझ नहीं पाई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।